You wanna eat cob? No. Eat really this. More cob. आपको पकने की पानी के पकने की आवाज़ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें स्टीम से पकेंगे। लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू जो मेरा कुकर के अंदर स्टीमर में अक्सर बनाती हूँ। मैं आपको टाइमिंग दिखा देती हूँ कितने टाइम में क्या चीज़ पकती है। मैंने दिखाना था कि ये छोटा सा बर्तन है लेकिन कुकिंग बहुत अच्छी करता है। कोई भी चीज़ बॉईल करनी हो, सूप या आज मैं अपना सूप के साथ मैं कैसे मील प्रेप करती हूँ, थोड़ा सूप लेती हूँ और उसके साथ स्टीम्ड वेजिटेबल लेती हूँ। ये जो मील होता है, एक तो कम कैलोरीज का होता है। अगर आप परहेज़ करें तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, इस मील को, तो आपके माइंड में कोई आइडिया आ जाएगा। जब मैंने वेट लॉस किया था या मैं परहेज़ कर रही होती हूँ तो मेरा ये रूटीन होती है। लेकिन अब मेरी रूटीन का हिस्सा भी ये है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि टेस्ट भी डिवेलप हो जाता है। फिर आपको बहुत हैवी खाना खाना बहुत तकलीफ दे होता है, तभी बोझ होता है। तो यहाँ पे मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मेरे पास बोन ब्रॉथ होता है। ये मैंने बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, ये ताज़ा भी हो तो इट्स ओके। ये बॉयल हो गया, ये छोटा बर्तन मैंने स्पेशल इसके लिए लिया क्योंकि अक्सर जो मेरे बड़े बर्तन होते हैं वो बिज़ी होते हैं, कुकिंग चल रही होती है, तो मेरा मील हमेशा लेट हो जाता है या मैं रह जाती हूँ और फिर मुझे या तो ठंडा खाना पड़ता था। तो मैंने स्पेशल ये बाउल लिया, ये चाइनीज़ अक्सर ऑफिस में रखा होता है। थोड़ा सा अपना मील गर्म कर लिया, ऐसे सूप पी लिया, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंस्टेंट बना सकते हैं, नूडल्स वगैरह, तो इसमें ये बनाते हैं। इट्स वेरी वेरी चीपर, जस्ट 15 RM में मुझे ये मिला था, 600-700 पाकिस्तानी रुपये में पड़ता है ये। ठीक है, एक ये इस तरह का बर्तन आपने ले लिया, ये मैंने एक बाउल लिया। वेजिटेबल्स मैंने अपनी स्टीम की हैं स्टीमर के अंदर, ये इलेक्ट्रिक स्टीमर है,
वैसे तो जो रेगुलर एक स्टीमर आता है, जैसे आप चूल्हे में भी एक बर्तन के अंदर जाली रख के कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे गैस नहीं है तो इस वजह से मुझे इलेक्ट्रिक यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन इसके मल्टीपर्पज़ फ़ायदे हैं, मल्टीपर्पज़ फ़ायदे हैं कि अगर मेरे पास लार्ज क्वांटिटी है तो मैं स्टैक नहीं करूँगी। जो अक्सर मेरे पास जो पहले कुकर था वो छोटा था, तो मुझे उसमें चीज़ें बड़ी तंग तंग रखनी पड़ती थी, अक्सर चीज़ें उनकी शेप ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें शेप ख़राब नहीं होती। और इसमें मैं जैसे मुझे फ़िश को स्टीम करना है, मैं पूरा उसको लिटा दूँगी, कोई बड़ी वेजिटेबल है तो उसको आप लिटा के ईजीली कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें बर्तन जो है अपने स्टरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों के हैं, बेबी का फीडर है, ठीक है। ये स्टीमर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, आई मीन बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं फेंकता, बहुत स्लो स्लो काम करता है। इसी वजह से इसमें जो कुकिंग है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है एज़ कम्पेयर टू जो आप गैस पे ले रहे होते हो। जैसे मुझे बेबी का इसको स्टरलाइज़ करना है तो मैं इसको खोल के इसके पार्ट्स रख दूँगी। इसके अंदर मैंने अपनी मशरूम जो थी वो स्टीम कर ली इस तरह से। मशरूम जो होती है ना वो बड़ी डैम्प प्लेस पे ग्रो करती हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा केमिकल के स्प्रे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि इसमें और तरह की मशरूम्स ग्रो ना करें, इसका एक सिलेक्टिव कल्चर बनाने के लिए इसमें स्प्रे किए जाते हैं। तो एक तो ये कि ये केमिकल स्प्रे में ग्रो करती है, सेकेंड थिंग इज़ डैट के ये जहाँ ग्रो करती है इट्स वेरी डैम्प एंड डिके प्लेसेस, ये ग्रो ही डिके प्लेसेस पे करती है। बेशक इसकी फार्मिंग भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो ये मैंने इसी वजह से इसको स्टीम करना मस्ट है, क्योंकि ये डैम्प प्लेस पे ग्रो करती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स ग्रो कर रहे होते हैं। डैम्प प्लेस तो आइडियल प्लेस है माइक्रोब्स के ग्रो करने की, तो कभी भी इसको स्टीम किए बगैर मत खाएं, इसको डायरेक्ट स्टिर फ्राई ना करें। स्टिर फ्राई में चांसेस हैं कि वेजिटेबल होल कुक ना हो। जब स्टिर फ्राई कर रहे होते हैं तो मशरूम जो होती हैं वो आड़ी टेढ़ी होती हैं, तो 100% पैन को टच नहीं करती। मैंने एक दफ़ा किया था, उससे मेरे पेट में बहुत सीवियर पेन होने लग गया था, और मुझे उसी वक्त डाउट हो गया था, कि मुझे स्टिर फ्राई डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए, मुझे पहले स्टीम करनी चाहिए, उसके बाद मैं इसको स्टिर फ्राई कर सकती हूँ। बट कभी मैं स्टिर फ्राई करती हूँ, कभी मैं नहीं करती। आज मेरा मूड नहीं है तो मैंने जो मील प्रेप करना है उसमें मैं किस तरह इसको खाऊंगी। तो ये मत समझें कि ये तो बहुत फीका सा खाना बनेगा, नहीं, बहुत मज़े का खाना बनेगा। हम इसको क्या करेंगे, जितनी भी हमारी स्टीम यहाँ पे मशरूम्स हैं हम इनको ऑयल लगाएंगे। मैंने एक चिली ऑयल की रेसिपी शेयर की हुई है, ये मैंने चिली ऑयल तैयार करके रखा हुआ है। इसमें चिली फ्लेक्स हैं, सिनेमन, ऊपर जो है मेरे पास तिल है, रोस्टेड तिल, और इसके अंदर नथिंग स्पेशल, बस चिली ऑयल इसलिए इसको कहा जाता है। मसाले अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड करना चाहें इट्स ओके, लेकिन चाइनीज़ तरीका का यही है। और जिसमें ऑयल है वो ऑलिव ऑयल मैंने डाला हुआ है। रॉ फॉर्म में जो ऑलिव ऑयल होता है उसका मुझे एक टेस्ट आता है, तो सो आई डोंट प्रेफर रॉ फॉर्म में, मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको चिली ऑयल लगा दूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी मशरूम को स्पेशल सॉल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है मेरे पास, तो मैं एक टेबलस्पून इसमें चिली ऑयल ऐड कर दूँगी, साथ में ये जो चिलीज हैं ये भी मैं थोड़ा खाऊँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मसाले सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, मिर्चें नुकसानदेह हैं। अगर स्पाइस की जो केमिस्ट्री को देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो चीज़ गलत है वो है हम एक्सेस क्वांटिटी में चीज़ों को लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, वो चीज़ें नुकसानदेह हैं। हमें लगता है कि नहीं हम तो मसाले ज़्यादा खा रहे हैं। आप चीज़ों को मॉडरेशन में यूज़ करें, हर चीज़ का अपना फ़ायदा है। जो चीज़ अल्लाह ने हराम नहीं की उसको अपने ऊपर हराम ना करें कि नहीं मसाले मैंने बायकॉट कर देना। मसालों के सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, जैसे चिली है, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं चिलीज, यू कैन नॉट बिलीव। चिलीज जो है आपकी बॉडी में थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करती है, लाइक आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है। जब आप चिली खाते कितना आपको गर्मी से लगने लगती है, तो वो ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। जितना बॉडी वार्म अप होती है उतनी डाइजेशन ज़्यादा अच्छी होती है आपकी बॉडी में। तो मेरे पास जनाब ये हैं, इस तरह की मेरे पास बाउल रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं। हम इसको खाएंगे अपने सूप के साथ, या समटाइम मैं क्या करती हूँ कि इनको अपने सूप के अंदर भी डायरेक्ट भी ऐड कर देती हूँ। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जिस तरह से अच्छा लगता है। इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा रोस्टेड सेसमी सीड्स भी ऐड करूँगी, क्योंकि चाइना में हम इतनी ज़्यादा डेयरी नहीं यूज़ करती, मतलब मैं यहाँ मिल्क नहीं यूज़ करती, क्योंकि टेट्रापैक्स में आता है, आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे लिए ठीक है नहीं है, उसकी कब उसकी पैकिंग हुई और कितना वो पुराना है, सो आई डोंट ट्रस्ट।
तो पर्सनली इसीलिए मैं सेसमी सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ अपनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए। तो 1 टेबल स्पून रोस्टेड सेसमी सीड्स आपने पर डे ज़रूर लेने हैं। तो आजकल मेरे पास ब्लैक सेसमी सीड्स हैं, वाइट ख़त्म हो गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चाइनीज़ को ना मैंने बहुत ज़्यादा दूध पीते नहीं देखा, डेयरी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते जितना हम करते हैं पाकिस्तान में या यूरोप वगैरह में ट्रेंड देखने में आता है। ये लोग सेसमी सीड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जनाब अपने जो ब्लैक सेसमी सीड्स हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं, आप देख सकते हैं ये। तो मैंने दोनों अपने बैकअप में रखती हूँ, वाइट भी और ब्लैक भी। वाइट स्टम मेरे पास ख़त्म थे, सो आई विल नाउ फिनिश ब्लैक, नेक्स्ट आई विल बाय अ वाइट। टेस्ट दोनों का अच्छा होता है। सो यम्मी। मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते मशरूम, बट मैं खाती हूँ, चाइना में काफ़ी कॉमन है मशरूम्स। अब यहाँ पे मेरे पास पिकल है जो लैक्टो फर्मेंटेड पिकल मैं बनाती हूँ, तो ये भी हम थोड़ा सा सूप के अंदर ऐड करेंगे। मेरा सूप बहुत ही फीका सा है, मैंने सिर्फ नमक डाल के इसको बॉईल किया था गोश्त को, तो मैं इसमें चेंजेस लाती रहती हूँ। कभी मैं इसमें थोड़ा सा अपना ये जो पिकल का वाटर होता है ये भी मैं ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब अपने इसमें कोई चीज़ टच नहीं करनी है, अगर टच भी करनी है तो अच्छे से स्टेरलाइज स्पून यूज़ करेंगे। तो मैं इसको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ मेरे स्पून को, क्योंकि मैं तो चॉपस्टिक से खाना खाती हूँ, मुझे चॉपस्टिक से खाने की इतनी आदत हो गई है कि मैं चॉपस्टिक के बगैर खाना नहीं खा सकती। तो ये कुछ वेजिटेबल्स भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये रा मैंगो है, ये मेरी वो है जैसे शिमला मिर्च होती है इस तरह की मिर्च होती है इनकी, और कोई मैं देखती हूँ वेजिटेबल। मेरी वेजिटेबल वैसे तो बड़े बड़े जार में होती हैं, एक मैं क्यूकम्बर का पीस भी ले लूँगी, इससे मेरे सैलड की जो है वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और इस तरह से मैं इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ कि इसका टेस्ट ठीक हो गया कि नहीं। यम यम यम, बहुत मज़े का। तो ये है जनाब मेरा मील, मैं इस तरह से खाती हूँ, इससे मेरा वाटर जो है आपका जो पानी का इंटेक होता है वो ज़रूरी होता है कि आपने पानी ही सारा दिन पीते रहना, उससे आप बोर हो जाते हो, ठीक है, पानी पीने को दिल नहीं करता। जब आप चाय ले रहे हो वही आपकी रिक्वायरमेंट है पानी की, फुलफ़िल हो जाती है, लिक्विड चीज़ है। यखनी पी रहे हो डेफिनेटली उसमें भी आपकी जो रिक्वायरमेंट पानी की, क्योंकि लिक्विड में पानी तो बहुत ज़्यादा है। और तो ये भी आप कंसीडर करें अपने वाटर इंटेक में, ये नहीं है कि पानी अलग पी रहे हैं 8-8 ग्लासेस और इसको अलग कंसीडर कर रहे हैं। उसके अलावा जनाब अगर आप 500 ml बोन ब्रॉथ लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन्स होती हैं। वैसे आपकी जो रिक्वायरमेंट है पर डे की वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम आप प्रोटीन ले सकते हैं, और मशरूम्स में भी प्रोटीन्स होती हैं। तो इस तरह से मैं ले लेती हूँ, और मैं समटाइम इसमें बॉयल एग भी ऐड कर देती हूँ। आज मेरे पास एग्स ख़त्म है सो मैंने ऐड नहीं किए, लेकिन मैं किसी दिन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको बना बना कर दिखाऊंगी कि एक हेल्दी मील अगर आपने लेना है, या आप किसी परहेज़ में हैं या किसी बीमारी की वजह से आप नई चीज़ों को इन्जॉय कर पा रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बोर हों चीज़ें बॉयल स्टीम खा रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा चेंज लाने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और चाइनीज़ मोस्टली घर में यही खाना खाते हैं जो फिट आपको दिखाई देते हैं, ये जो नूडल्स ये जो चावल ये बस बाहर चीज़ें खाते हैं। सो यम्मी। इस बर्तन का एक ये फ़ायदा है, जैसे मेरा बोन ब्रॉथ बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है मैं फिर इसको ऑन कर देती हूँ फिर गर्म हो जाता है।